राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो उससे आगे का है। तो फ्रेंड्स, कनिष्का भी आ चुकी है और देखिए गर्मी की वजह से क्या हालत हो रही है बच्चों की। देखिए चेहरे दोनों आ चुके हैं और बस अब हम खा रहे हैं खाना। थाली लग चुकी है, देखिए सुबह बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और बच्चों के लिए थोड़े से रमास रख दिए थे, तो शिव ने तो खा लिए हैं और कनिष्का ने नहीं खाए, तो ये कनिष्का के लिए और रोटियां। तो बस आज का यही खाना है, तो आप भी हमारे साथ खा लीजिए। और फैन चला के लग रही है बहुत गर्मी, तो बस अभी हम खाते हैं खाना। तो बस अभी मिलते हैं। नहीं खा के आई क्यों? तो फिर उसको खिला दे, खिला दे उसको। वो नहीं खा के आया आपने? दवाई तो डालनी पड़ेंगे। हाँ वो बढ़िया, तो मैं प्याज व्याज नहीं डाली मैंने, गाय को तो अभी डल जाएंगे। तो यहाँ बच्चों में लड़ाई हो रही है जो मैंने सुबह रमाज छौंके थे उसके लिए। तो शिव खाना खा के नहीं आया था जो लंच लेके गया था, क्योंकि उसके स्कूल में जो बच्चे हैं वो उधम कर रहे थे, तो शिव के लंच के ऊपर एक बच्चा गिर गया था, इसकी वजह से ये दोनों नहीं खा के आए हैं। और इन्हें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत पसंद है। तो देखिए किस तरीके से शिव खा रहा है और कनिष्का मांग रही है तो उसे चिढ़ा भी रहा है, तो उसने एक पीस भी नहीं दिया है उसको। तो कनिष्का बोली कि मैं भी नहीं खा के आई हूँ मम्मी, अब घर पर ही खाऊँगी मैं। तो बस यहाँ जो बर्तन है मेरे सारे मैंने अब यहाँ इकट्ठे करके सारे साफ़ कर लूँगी, यानी कि हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो बस यहाँ बर्तन साफ़ करने के बाद में और फिर जो मेरी सिलाई है वो करनी है मुझे। तो कुछ लोग सोचते होंगे क्या दोपहर में फ्री तो बैठती होगी, तो नहीं मैं दोपहर में सिलाई करती हूँ। तो बस यहाँ मेरे जो बर्तन हैं देखिए कितने सारे इकट्ठे हो चुके हैं, तो यहाँ ये बर्तन है वो मैं अब साफ़ करूँगी। इसके बाद मैं जो अंडरवियर बनियान है वो साफ़ कर दूँगी, बाथरूम में पड़े हुए हैं। तो बस इतना सारा काम है, तो काम तो खैर घर में हो ही जाता है, तो अब वो तो हमें ही करना है और उसके साथ साथ मैं अपनी सिलाई भी करती हूँ। और यहाँ जो मेरे बर्तन हैं वो सारे साफ़ हो चुके हैं। और फ्रेंड्स ये कल का ही वीडियो है, तो मैं आज रात को ही इसे अपलोड कर दूँगी और पब्लिश भी कर दूँगी। तो इससे पहले का जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा या नहीं तो उसे भी देखिएगा, क्योंकि फिर ये वीडियो पड़ा रहेगा और फिर जो आज का वीडियो है वो मेरे को शेयर करना है आपसे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ बस मेरी जो किचन है वो बस क्लीन हो चुकी है और आज मैं थोड़े कम फ्रेंड्स के वीडियोस पर जा पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पक्का आने वाली हूँ आप सभी के पास। तो बस यहाँ मेरी जो किचन है उसका काम हो गया, तो मैंने कर दी है लाइट बंद। तो बस यहाँ मेरा जो बाथरूम है उसमें वो कपड़े साफ़ करूँगी और इस बाथरूम को भी मैं डेली की डेली ही साफ़ कर देती हूँ। जो ब्रश होता है ना, तो उस ब्रश से मैं डेली की डेली साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जो पैर वगैरह फिसलते हैं तो वो कम फिसलते हैं। और कभी कभी किसी किसी दिन मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम होता है तो फिर भूल भी जाते हैं हम। तो यहाँ मेरा जो बाथरूम है वो भी एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके के काम करते रहने चाहिए, क्योंकि पेंडिंग में डाल दो इन कामों को तो फिर ये पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं। क्योंकि अगर मैं अगर लग गई सिलाई में तो फिर बस फिर नहीं कुछ करने वाली मैं, फिर तो बस अपना सिलाई का जो काम है पूरा फिनिश करने के बाद ही उठूँगी। शाम को 4 बजे मैं फिर अपना जो घर का काम है वो उसमें लग जाती हूँ। तो अभी 2:30 बज गया था मुझे ये सारा काम करते करते। तो बस यहाँ जो मेरा बाथरूम है वो भी साफ़ हो चुका है। और आज शाम को थोड़ी बारिश आई थी, लेकिन उससे थोड़ी राहत मिल गई थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये टैप है जो टूट चुका है, देखिए अभी तो सही नहीं हुआ है आज। तो बस यहाँ हम छत पे आए और देखिए ये बंदर महाराज जी भी मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी घटाएं आ चुकी हैं, तो ऐसा लगा था जैसे कि न जाने कितनी तेज़ बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत मतलब थोड़ी ही बारिश थी, लेकिन हाँ ठंडा हो गया था। तो यहाँ मैं ऊपर छत पे मतलब हम लोग आ गए थे और यहाँ ये जो बालू पड़ी हुई है इसके ऊपर मैं देख रही थी, पता नहीं कुछ था उसे मैं ऊपर चढ़ के देख रही थी। तो बस यहाँ आज का जो वीडियो है मेरा यहीं एंड होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ, जय श्री राधे।